हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रीतिस किचन में। लौकी का सब्जी तो बहुत खाए होंगे। मैं आज जो बना के दिखाऊंगी, ये सब्जी आप कभी खाए भी नहीं होंगे। बनाने में कोई झंझट नहीं और टेस्टी भी बनती है। हमने यहाँ पर दो लौकी ले ली है, छोटा छोटा, जो सॉफ्ट लौकी होता है उसी को लीजिएगा। अब हम फोक की सहायता से होल बना लेंगे। होल इसीलिए बनाएंगे ताकि अच्छी तरह से पक जाए। ये सब्जी इतना स्वादिष्ट होता है, दो रोटी के जगह चार रोटी खा लेंगे। ये देखिए, हमने दोनों लौकी को अच्छी तरह से होल कर दिया है। अब इसमें थोड़ा सा सरसों तेल लगा लेंगे। सरसों तेल लगाने से जब ये पक जाएगा वो छीलने में आसानी रहेगी। अब हम चलते हैं पकाने की ओर। हमने यहाँ पर गैस में एक जाली रख दिया है। गैस का फ्लेम को मीडियम में रखेंगे। अब दोनों लौकी को अच्छी तरह से पका लेंगे। पहले हम गैस का फ्लेम मीडियम में रखेंगे, इसके बाद लो कर देंगे। ये देखिए, धीरे धीरे हमने पका लिया है लौकी को और अच्छी तरह लौकी पक चुकी है और उसका छिलका भी उतर रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक बर्तन में पानी ले लेंगे और चाकू की सहायता से इसको छील लेंगे। इस तरह छीलने से आसानी से छील जाता है, ऊपर का छिलका पूरा साफ हो जाएगा। ये देखिए, हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम क्या करेंगे, छोटा छोटा पीस कर लेंगे ताकि चॉपर में अच्छी तरह से पीस जाए। आप चाहे तो चाकू से भी चॉप कर सकते हैं। अब हम दोनों लौकी को इसी तरह काट लेंगे और मेरे पास एक चॉपर है, चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे। आप चाहे तो चाकू से भी चॉप कर सकते हैं। अब हम चॉप कर लेते हैं। आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। ये देखिए, हमने चॉपर से चॉप कर लिया है। इस तरह का हमने रखा है दरदरा, ज़्यादा चॉप नहीं किया है। अब हमें एक पैन ले लेंगे। पैन में डालेंगे सरसों का तेल। ये सब्जी सरसों का तेल में ही अच्छा लगता है। हमने यहाँ 3 बड़ी चम्मच ले लिया है सरसों का तेल, 1 चम्मच जीरा और थोड़ी सी हींग। जीरा तड़कने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज का प्याज, इसको भी हमने चॉपर में चॉप कर लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से प्याज फ्राई हो चुका है। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। हमने यहाँ पर अदरक लहसुन को कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। कुछ देर भूनने के बाद अब इसमें ऐड कर देंगे 4-5 हरी मिर्च। कोई भी सब्जी में हरी मिर्च डालने से उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, भून चुका है। अब इसमें डाल देंगे चॉप किया हुआ 2 टमाटर। हमने यहाँ पर चॉपर में इसको भी चॉप कर लिया है। टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। जल्दी टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छी तरह से मिला लेंगे। 2-3 सेकंड भूनने के बाद अब इसमें ऐड कर देंगे कुछ पाउडर मसाले। पहले ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और तीखी लाल मिर्च पाउडर। सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाला जले नहीं।
अब हम इसे कवर करके रख देंगे 2-3 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम को यहाँ पर मीडियम में रखेंगे। ये देखिए मसाला से तेल अलग हो गया है और अच्छी तरह से भून चुका है। 2-4 बार चला लेंगे इसी तरह, मैश कर देंगे थोड़ा मसाला को। अब इसमें डाल देते हैं जो हमने लौकी को पका कर रखा था, इसको डाल देते हैं, अच्छी तरह से मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए मीडियम आंच में। 5 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। ये देखिए मसाला और लौकी अच्छी तरह से पक चुका है और ऑयल भी ऊपर आ गया है, यानी कि हम लोग का लौकी का भरता बनके तैयार। अब हम लास्ट में ऐड करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया इसका फ्लेवर और बढ़ा देगा। बन गया हम लोग का लौकी का भरता। 2 रोटी के जगह आप 4 रोटी खाएंगे। इसको घर में ज़रूर ट्राई करें।